गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि आप लगता है रवि जी आप हताश हो गए। मनुष्य वो है जो कभी जिंदगी से हताश नहीं होता है। अगर जिंदगी में मुझसे कहा जाए कि एक फिल्म का नाम लो तो मदर इंडिया का लूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमारा मतलब यहाँ जहर से, अर्थात हमें अगर असफल हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें कर्म करते रहना। आगे और भी कुछ लाइनें हैं जो हमें याद नहीं, पहली ही लाइन मुझे याद है, यानी क्या करते ही रहेंगे कुछ, मतलब कर्म करते ही रहेंगे, ऐसा कुछ अभिनेत्री कह रही है। तो ये जो पहले फिल्में बनती थी, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ली, तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षाएं होती थी, बड़ी अच्छी होती थी। एक डायलॉग है, मैं लाखों में एक हूँ, एक नहीं एक से बढ़कर एक हूँ, किसी ने डायलॉग लिखा है, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता। एक से बढ़कर एक हूँ, मैंने कई बार का मतलब बोला, मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए कि ये संसार जाने कि मैं भी एक इस संसार की एक इकाई हूँ। आप तो प्रोफेसर हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब मूलाधार से गाड़ी वहीं अटकी हुई है इतने सालों से, कुछ भी आगे बढ़े तो एक उत्साह होती है, वो उत्साह निकल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ा गुरुदेव, वो तो छोड़ूंगा भी नहीं, मर जाऊंगा लगा रहूंगा, मैं भागने वाला जीव नहीं हूँ। अच्छी बात। वो आपकी गाड़ी का पहिया किस गड्ढे में फंसा हुआ, क्या बताएंगे आप? मूलाधार से आगे नहीं बढ़ रहा गुरुदेव। तो आप बढ़े ही कितने हो? वही तो सर, जीरो पे ही हूँ। आपने तो शुरुआत भी नहीं की। कहीं मेरा बेटा पढ़ता तो खूब है, बहुत दिनों से पढ़ता, रात दिन मन लगा के पढ़ता, मगर अभी UKG अभी पास ही नहीं किया है उसने। कहीं न कहीं खैर, भोजन सात्विक है ना? जी गुरुदेव। कितने दिनों तक नॉनवेज रहा आपका, सोच के बताइए। मतलब नॉनवेज कितने दिन तक खाया? हाँ। अच्छा, करीब करीब 28, मतलब मेरे घर में तो ऐसे प्याज लहसुन मां नहीं खाती थी, लेकिन घर में कभी कभी बनता। हमें किसी का नाम बताएं, अपना बताएं। मैं अपना बता रहा हूँ, करीब जब मेरी उम्र हो गई 30 साल तक बीच बीच में खाता था, 30 साल के बाद से 30-31 साल के बाद से तो छोड़ दिया कम्प्लीटली, यानी करीब 22 साल हो गए जब मैं नॉनवेज नहीं खाया हूँ। नहीं खाया तो फिर कोई बात, अन्न कोई तो गड़बड़ी है नहीं? नहीं, अभी ऐसे कोई अन गड़बड़ी नहीं है, लेकिन पहले जवानी में सिगरेट पिया था। हमारे अभय होले जी बैठे हुए हैं पीछे, अब तो अच्छे साधक मेरी निगाह में हो गए, वो भी कुछ कहते थे मेरे सिर में, कहीं गुरु जी सरिया घुस गया, मगर अब सरिया नहीं घुसा, सरिया निकल गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो तिवारी जी धैर्य को धारण किए रहे, ये जो चीज़ें होती हैं, सिगरेट है, तंबाकू है, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, और गंगा जल तो आप मतलब घुमा के, गंगा जल है या नॉनवेज है, ये हमारे चित्त को अशुद्ध बनाते हैं, आप भी जानते होंगे। अब वो अशुद्धता की मात्रा कितनी है, शायद वही नहीं बढ़ने देती होगी, मैं तो यही समझता हूँ। नहीं देखो, नए नए लड़के हैं जो पहली बार देखते हैं, आपकी लाइन में इधर उधर पीछे होंगे, वो पहली बार ही अपना शतक लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे दूर हैं, हम आपको तो काफ़ी जानते हैं, उन लड़कों को तो जानता भी नहीं हूँ। तो कहने का मतलब, संस्कार भी होते हैं हमारे पिछले जन्म के,
वर्तमान में ये कोई पहचान नहीं है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन समृद्धशाली है, कौन योग्य है। ये कर्मों से संबंधित है। सफलता असफलता चित्त पर स्थित पिछले जन्मों के कर्मों से भी संबंधित है और उसी का प्रभाव जैसा होता है वो सहयोग करता है या विरोध करता है। यदि हमारे पास बैंक बैलेंस पहले से हो तो हमें किसी प्रकार की पैसे खर्चने में या किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस ही नहीं है तो हम जब जमा करेंगे, जमा करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तब थोड़ा बहुत होगा, फिर पैसे खर्च पाएंगे। तो ये जो नए नए उम्र के साधक या हैं, लड़के हैं, तो अपना ये बैंक बैलेंस लेके आए हैं। आप शायद ना लेके आए हो, मगर ये श्योर नहीं, मतलब मैं ये नहीं कि मैं यही हो, हमारा मतलब आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ होना चाहिए, ठीक है। शायद ऐसी असफलता और किसी के हाथ नहीं लगी होगी, मैं ऐसा मानूं, आप सबसे पीछे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.